हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट में बनाने जा रही हूँ पैनकेक। तो चलिए आइए बनाते हैं पैनकेक। यहाँ मैंने एक अंडा ले लिया है और थोड़ा सा शुगर। आप लोगों को जितना मीठा खाना है उसी हिसाब से आप अपने लिए शुगर ले लीजिए। उसके बाद इसमें वेनिला एसेंस डालना ज़रूरी है। मैंने वेनिला एसेंस लिया है पाउडर फॉर्म में, आपके साथ लिक्विड है तो वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे एक कटोरी मैदा, उसके बाद हम डालेंगे एक कप मिल्क, फिर इस बैटर को मिला लेंगे थोड़ा सा, फिर हमें इसमें डालना है बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर, आपके साथ जो भी अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं। मेरे साथ बेकिंग पाउडर था, ये देखिए मैंने बेकिंग पाउडर डाल दिया है। फिर इसे भी मिक्स कर लीजिए। इसे मिक्स करने के बाद हमें इसमें डालना है मेल्टेड बटर या तो फिर रिफाइंड ऑयल, दोनों में से कोई भी चल जाएगा। तो मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, मैंने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल दे दिया। रिफाइंड ऑयल डालने के बाद बैटर कितना ही स्मूथ बन जाएगा देखिएगा, ये देखिए। तो आइए चलते बनाते हैं पैनकेक। पैनकेक बनाना बहुत ही ईजी है, कोई भी मुश्किल काम नहीं है। पैनकेक इतना ही बढ़िया ब्रेकफास्ट बनता है। आप लोगों के घर में अगर बच्चे स्कूल जाते हैं टिफ़िन भी आप दे सकते हैं पैनकेक बना के। तो मैंने थोड़ा सा बटर लिया और पैन में ग्रीस कर दिया, फिर मैंने ये बैटर डाल दिया। तो ये देखिए इस तरह से, ये देखिए ये परफेक्ट पैनकेक इसी तरह से बनता है। इस जब इस तरह का ये होल होने लगेगा तब अब इसे पलट दीजिए, फिर देखिए कितना सॉफ्ट पैनकेक बनता है। ये देखिए मेरा पैनकेक बनके रेडी हो चुका है। मैं थोड़ी सी गार्निशिंग करूँगी पाउडर शुगर, बटर और हर्षी सिरप से। देखने में कितना ही बढ़िया लग रहा है ना गाइस। तो जितना देखने में अच्छा लग रहा था खाने में भी उतना ही टेस्टी था। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और उसके बाद चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।